बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 फरवरी का द वोकैब, सो जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो आज का पहला वर्ड है मलाइस। मलाइस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट और इलनेस, यानी ऐसी फीलिंग जो कि आप जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, डिसकम्फर्ट वाली फीलिंग हो या कोई बीमारी हो, कोई इलनेस हो, उसे हम कहते हैं मलाइस। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेंटलेसनेस या एंग्विस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफर्ट या वेलबिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, मुझे मेले में मलाइस लगता है, यानी मुझे मेले में कैसा लगता है? बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, पीपल एक्सपीरियंस्ड मलाइस, यहाँ पे मलाइस छूट गई है, मलाइस ड्यूरिंग लॉकडाउन। पीपल को लॉकडाउन के दौरान कैसा लगता था? मलाइस फीलिंग आती थी, डिसकम्फर्ट वाली फीलिंग आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिक्विस्टी। रिक्विस्टी क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेड नेसेसरी बाय पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और रेगुलेशन, यानी कोई भी चीज़ को नेसेसरी बना देना, कंपलसरी बना देना। किस वजह से? कोई ऐसी सर्कमस्टांस हो जाए या ऐसा कोई रेगुलेशन है जिसके कारण आपको कुछ कोई काम है उसका करना कंपलसरी हो जाए, उसे हम कहते हैं रिक्विस्टी, यानी जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपेक्षित कहेंगे हिंदी में। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नेसेसरी या वाइटल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शनल या अननेसेसरी। याद करने की ट्रिक देखिए, टीचर्स के रिक्वेस्ट पे प्रिंसिपल ने इंग्लिश स्पीकिंग को रिक्विस्टी बनाया, यानी जब टीचर ने रिक्वेस्ट किया तो इस वजह से क्या बनाया गया? इंग्लिश स्पीकिंग को रिक्विस्टी, यानी कि नेसेसरी बनाया गया, कंपलसरी बनाया गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अ हॉर्नेट्स नेस्ट। और हॉर्नेट्स नेस्ट क्या होता है? ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अ डेंजरस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसे हम कहेंगे अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, बर्ड का नेस्ट तोड़कर उसने अपने लिए हॉर्नेस्ट नेस्ट बनाया, यानी अपने लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बना दी नेस्ट को तोड़कर। एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल अटेंडेड द हॉर्नेस्ट नेस्ट ऑफ एंग्री पेरेंट्स। टीचर ने क्या अटेंड किया? हॉर्नेस्ट नेस्ट, यानी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन अटेंड की जब पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा एंग्री थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ एन एक्शन कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल ऑल दो पॉसिबली इम्प्रॉपर और इमोरल, यानी कोई भी काम है जो कि प्रैक्टिकल तो है लेकिन वो गलत है, इमोरल है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपीडियंट। सिनोनिम्स देखिए, प्रैग्मेटिक या प्रॉपिटियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनएक्सपीडियंट या इल एडवाइज्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, ज़्यादा मनी एक्सपेंड करके लाइन में आगे लगना एक्सपीडियंट है, यानी आप बहुत पैसे खर्च करके लाइन में आगे लग जा रहे हो, तो ये प्रैक्टिकली तो अच्छा है लेकिन मॉरली क्या है? गलत है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है परसीव। परसीव क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिकम अवेयर और कॉन्शियस ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर होना, कॉन्शियस हो जाना, क्या कहलाता है? परसीव कहलाता है, हिंदी में कहेंगे समझना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसर्न या रिकॉग्नाइज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट या मिस कॉम्प्रीहेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, रिसीव किए मैसेज को परसीव किया मैंने, यानी रिसीव किए मैसेज को मैं क्या की? समझ गई। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। अब इसका एग्जांपल आपको होमवर्क बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे वर्ड्स पसंद आएंगे और ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लग रही होगी। सो दिस फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।